दिग्विजय के गढ़ पहुंचेंगे महाराज, सिंधिया से नहीं छूट रहा कांग्रेस, दिग्विजय से मिलेंगे महाराज, शिवराज के उड़े होश, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। बता दें पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ विधानसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा सेंधमारी करने में सफल होती नजर आ रही है। दरअसल सिंधिया लंबे समय बाद राघोगढ़ विधानसभा में 4 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में शिरकत ही नहीं करेंगे, बल्कि दिग्विजय सिंह के काफी नजदीकी रहे हीरेंद्र सिंह को उनके साथियों समेत भाजपा की सदस्यता दिलाकर उनके भाजपा में शामिल होने की औपचारिक घोषणा करेंगे। बता दें कुछ समय से हीरेंद्र सिंह का कांग्रेस और दिग्विजय सिंह से बीते 6 माह पूर्व मोह भंग हो गया था और यह अटकलें लगाई जाने लगी थी कि हीरेंद्र सिंह बना भाजपा का दामन थाम सकते हैं। उनकी पहचान और मजबूती के चलते भाजपा के ही एक दो नेता भाजपा में उनकी एंट्री होने में अभी तक बाधक बने हुए थे। गुना जिले की राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में युवा नेता बंटी बना का काफी जनाधार है। वे लंबे समय से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और उनके विधायक पुत्र जयवर्धन सिंह के लिए काम करते रहे हैं। उनके पिता मूल सिंह दादा भाई कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ साथ राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। वहीं बीते 1 वर्ष से बंटी बना की कांग्रेस में उपेक्षा होने लगी थी। इसके बाद से ही बंटी और दिग्विजय सिंह के बीच दूरियां बढ़ गई थी। इसकी जानकारी होने पर एक पूर्व विधायक और एक भाजपा के दिग्गज नेता बंटी बना को भाजपा में लाने का प्रयास भी कर रहे थे। आपको बता दें राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि बंटी बना के अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को राघोगढ़ में बड़ा झटका लग सकता है। स्मरण रहे कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो दूरियां थी उनको मिटाने के उद्देश्य से सिंधिया राघोगढ़ किले गए थे और वहां दिग्विजय सिंह के विधायक पुत्र जयवर्धन सिंह से एकांत में चर्चा भी हुई थी। सिंधिया ने पहली बार अपने राजनैतिक जीवन में किले पर जयवर्धन के साथ खाना भी खाया था। इसके बाद भी दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की दूरियां खत्म नहीं हो पाई थी। आखिर में सिंधिया ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरवाई और वह स्वयं अपने समर्थक मंत्री व विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। इधर शासकीय पीजी कॉलेज सहित राघोगढ़ में होने वाले आयोजन के लिए कलेक्टर और एसपी ने तैयारियों का अवलोकन किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी 4 दिसंबर को राघोगढ़ न आकर मधुसूदनगढ़ उकावत के पास रघुनाथपुरा गांव में आएंगे। यहां डैम से प्रभावित गांव के किसानों से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य बंटी बना के नजदीकी समर्थकों का भाजपा में शामिल होने से रोकना राजनीतिज्ञों द्वारा बताया जा रहा है। फिलहाल ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए सरोकार इंडिया से जुड़े रहे। सरोकार इंडिया न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।